हाल ही में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के नए नियुक्तियों और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई सस्ती पार्टी नहीं है जहां कोई भी आए और आ जा सकता है। जो भी पार्टी में वापसी करना चाहते हैं उन्हें कांग्रेस के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। डोटासरा ने बताया कि नई नियुक्तियों का चुनाव या उपचुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे सभी पार्टियों ने अपनाया है। पार्टी के आलाकमान के निर्णय के अनुसार इनकी नियुक्तियां की गई है और यह निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने विश्वास जताया है कि नियुक्त किए गए लोग अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और सदन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आरोपों के बारे में कहा कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाने की किसी में हिम्मत नहीं है। अगर कोई सरकार उन्हें जांच के दायरे में लाना चाहती है तो वे जांच का स्वागत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और RSS संविधान को तोड़ने की बात करते हैं जबकि इमरजेंसी की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा ने महंगाई कम नहीं की, बेरोजगारी घटाने में विफल रही, किसानों की आय दुगने करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया और लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं किया है। आते केवल जिस दिन उनको रिप्लाई करना होता है, जवाब देना होता है, या जिस दिन बजट पेश किया गया, दो दिन आए। इतने बड़े हो गए, सदन से बड़े हो गए क्या? सदन के नेता अगर कभी सदन में आए ही नहीं तो वो किस बात के नेता हैं? उनको कैसे समझ में आएगी कि मेरा मंत्री कैसे जवाब दे रहा है? उनको कैसे समझ में आएगी कि प्रतिपक्ष क्या क्या सवाल कर रहा है? उनको कैसे पता लगेगा कि हम सदन का अनुशासन कैसा है, मुझे क्या ठीक करना चाहिए? उनको कैसे पता चलेगा कि बजट में क्या कमी खामी रहेगी, लोग क्या बता रहे हैं? ये अंतर्यामी है क्या? वहां बैठ करके सब कुछ ज्ञान ले लेंगे और फिर ज्ञान लेकर के हजम कर लेंगे और हेलीकॉप्टर से उड़ करके उस ज्ञान को पूरे प्रदेश में बांटते घूमेंगे? ये इसलिए बनाते हैं क्या मुख्यमंत्री और मंत्री? इनके मंत्री नहीं रहते। प्रश्न काल का कायदा है और शून्य काल का कायदा है कि तमाम मंत्री, अगर वो राज्य के बाहर हो तो एक अलग बात है, बाकी वो अंदर रहते हैं। कभी भी प्रश्न काल में या शून्य काल में 25-26 में से 10 से ज्यादा मंत्री, 9-10 से ज्यादा कभी मंत्री नहीं रहते। आज आप देख लीजिए, जाकर के हालात देख लीजिए। आज स्पीकर को ये चेतावनी देनी पड़ी, सरकार के संसदीय कार्य मंत्री को ये कहना पड़ा कि मैं हिदायत देता हूं कि जब जिस डिपार्टमेंट की चर्चा होती है शून्य काल में और प्रश्न काल में, वहां पर अधिकारी नहीं रहते, भविष्य में उनके नाम दिए जाए कौन अधिकारी नहीं थे। संसदीय कार्य मंत्री खुद कह रहा हुक्म की पालना हो जाएगी और उनके खुद के विभाग के बड़े अधिकारी नहीं थे वहां पर। तो आप इकबाल तो खत्म हो गया, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म, संसदीय कार्य मंत्री का इकबाल खत्म, और मुख्य सचेतक तो जाने है ही नहीं कब खड़े होते हैं, कब बैठते हैं, कब बाहर जाते हैं, कब अंदर आते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। ये संवैधानिक पोस्ट है और हाउस में इन संवैधानिक पोस्टों का अपना अलग से महत्व है और उस संवैधानिक पोस्ट की गरिमा बनाए रखना उनकी ड्यूटी में आता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो, मंत्री हो, चाहे चीफ हो। तो इनका तो हालात ये बने हुए हैं कि कोई जवाबदेही नहीं, कोई मुद्दे की बात नहीं, हल्ला करेंगे, मोदी मोदी का नारा बोलेंगे। और अब तो वैसे भी कम बोलने लग गए मोदी मोदी का। तो चुनाव चुनाव से नहीं देखा जाना चाहिए, ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है कि उपनेता हर पार्टी बनाती रही है और चीफ व्हिप हर पार्टी बनाती है, नेता प्रतिपक्ष आलाकमान से चर्चा करके वो उनको हाउस में मनोनीत करने का काम करते हैं। तो पार्टी आलाकमान ने निर्णय किया है, अच्छा निर्णय किया है, मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि अच्छी जिम्मेदारी के साथ में वो अपनी जो है ड्यूटी का निर्वहन करेंगे और अच्छा सदन में अपना काम करेंगे। मेरे पे व्यक्तिगत ही उनकी हिम्मत ही नहीं है, समझ गए ना? मेरे पे व्यक्तिगत कोई आरोप लगाने की किसी की औकात ही नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं है और लगा भी नहीं सकता। ये सदन है, ये हवा हवाई बातें कर रहे हैं। मैंने तो कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, जिस किसी भी प्रकरण में जिस किसी को भी सरकार को लगता है कि हमें जांच करनी है, उसको जांच करे और जांच को अंजाम तक पहुंचाए, किसी को कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है, पूछ लेना उनको।
केवल बड़े बड़े बातें करना और लोगों को गुमराह करना भाजपा और आरएसएस की फितरत है। डोटासरा ने कहा कि वर्तमान में देश में अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई एजेंडा, कार्यक्रम या योजना नहीं है। इमरजेंसी की बात करें, वे केवल लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की है। विधानसभा के प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के गैर हाजिर रहने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने राजस्थान में बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर आगामी धरना प्रदर्शन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह धरना प्रदर्शन राजस्थान के हर जिले में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इस दौरान बिजली और पानी के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। डोटासरा ने कहा कि सरकार की नीतियां और योजनाओं का जनता पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर विधानसभा सत्र में न आने और जनता के सवालों का जवाब न देने का भी आरोप लगाया है। अंत में उन्होंने कहा कि विधानसभा में कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही है और सरकार केवल भाजपा और आरएसएस की बातों में उलझी हुई है। उन्होंने सरकार की नीतियों और योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल मोदी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।